सबुठ दामी मसला भाव कहले आम केसर को जानु और केसर चाष कथा कहले सामना को आसे कश्मीर किंतु ओडिशा रे ये केसर चाष जो मोगरा केसर चाष वर्तमान जो महिला करके देखते और विपुल लाभ करवल केसर नुहे यार जो फूल तार पाखुड़ा विभिन्न प्रकार ब्यूटी प्रडक्टर जो भाव में याए ताभर भी काम आसू झारसुगुड़ सीतम प्रधान रिपोर्ट देखा किए ये महिला और केमी चल केसर चाष को नील रंगर यह फुलटी हो कश्मीरी मोगरा केसर फुल आउ फुल भितर ए जो तीनोटी लाल रंगर डेम्फ भली अंश देखुंट ताहा ही हेउची केसर सबुठ दामी मसला कहुवा केसर कथा कहले आखि सामना को आसी जाए कश्मीर तबे सुंदर मोगरा केसर फुलटी कश्मीर कौनसी बरफाच्छन्न अंचल नुहे बर झारसुगुड़ मंगल बजार रे निज दस बै दस एक छोटिया घरे सफलतार सहित चाष कर सुजाता अग्रवाल गोटे कि दुईटी नुहे शह शह केसर फूल फुटाई सुजाता मेरी जो बीज आई है वो कश्मीरी मोगरा की ही बीज है और ये कश्मीरी मोगरा ही है। इसकी पहचान ये है, देखिए आप असली केसर के बीज एक फूल में तीन स्ट्रिंग होती है, हम तीनों स्ट्रिंग को एक साथ ही निकालते हैं और वो जुड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। कोविड समय रु सुजाता हाइड्रोफोनिक एवं माइक्रोग्रेन चाष आरंभ करते तबे नुआ किछि चाष करिवार उद्देश्य थिला। केसर चाष विषय जानिबा को पाइले इंटरनेट रु देशरे एर उत्पादन ठारु चाहिदा ढेर अधिक थिबा जानि पारि केसर चाष करिबा को लक्ष्य रखिले सुजाता निजर एक कंपनी कले जार ना ब्लूमिन हाइड्रा जियो सयोनी कहंती मा केमिति मन कले केसर चाष पाइ। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को केसर का तिलक लगता है, तो मम्मा को आइडिया आया कि मैं केसर की फार्मिंग खुद करूँगी, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है सब मिलावटी मिलता है। तो उनको था कि उनके ठाकुर जी को उनको असली सोना असली जो केसर होता है वो लगाना था, तो बस वहीं से मम्मा को आइडिया आया। फिर मम्मा ने रिसर्च किया, हमने मतलब मैंने मेरी बहन ने पापा ने काफ़ी मम्मा को सपोर्ट किया और अब फिर मम्मा सक्सेसफुल हुई। जब हम मिट्टी में बीज रखे थे 2-3 ग्राम का, जब वो 10 ग्राम हो जाता है, 10 ग्राम से जो बीज होती है 10 ग्राम से ज़्यादा वो बीज को हम यहाँ लेके आते हैं। अगस्त फर्स्ट वीक तक हम इसको ले आते हैं। इस बीज को आप देखिए सारी बीज जो है 10 ग्राम 15 ग्राम की बीज है और ये जो बीज है हमको फूल देंगी। तो जब हम रखते हैं अगस्त फर्स्ट वीक मिड ऑफ द अगस्त तक हमको इसको रखना होता है। रखने के बाद मतलब ये 1.5 महीना तक तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, एज इट इज़ जैसे रखा था मैंने वैसे ही है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे इसमें स्प्राउट्स आना शुरू होगा। जब आपको स्प्राउट्स आप इसमें दिखने लगेगा तब आपको बहुत खुशी होगी, कम से कम भी 1.5 महीना बाद आपका स्प्राउट्स आना शुरू हो गया। स्प्राउट्स आने के बाद आप देखिएगा इसमें लाल और पीला कलर आपको स्प्राउट्स में दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको महसूस कराएगा कि उसके अंदर कुछ फूल है, कुछ नया सुंदर फूल है। और वो धीरे धीरे ये स्प्राउट जब आपका 4-5 इंच का हो जाएगा तब उसमें से अचानक से फूल निकलता है और वो हमारा केसर होता है। और वो जब ये निकलने के बाद भी 6-7 दिन बाद हमारा पूरा फूल खिल जाता है। अब आप देखिए ये वाला फूल हमारा खिल गया है। झारसुगुड़ा परी गरम परिवेश रे कश्मीर रो ठंडा परिवेश रे होतबा केसर चाष गोटे चैलेंज निश्चय। 10x10 रूम भितरे कश्मीर भली वातावरण सृष्टि करबा को पड़िथाय। ये टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग से, हम जो कश्मीर ये इस रूम को हम रेप्लिका ऑफ कश्मीर बोलते हैं, जो कश्मीर में टेम्परेचर होता है हम वही टेम्परेचर को यहाँ मेंटेन करते हैं। लेकिन दिन और रात के बीच में हम रात ठंडी ज़्यादा होती है और सुबह थोड़ा गर्म होता है, इसलिए दिन और रात के बीच में 4-5 डिग्री का हम डिफरेंस रखते हैं। तो स्टार्टिंग से जैसे कश्मीर में जैसे मैंने अगस्त 15 को अगर इस कमरे में मैंने बीज रखा तो वहाँ के टेम्परेचर को देखते हुए मैं टेम्परेचर को उस तरह से मेंटेन करती हूँ। और जब फूल खिलते हैं तब हमारा टेम्परेचर आ जाता है 5-7 डिग्री हमारा टेम्परेचर आ जाता है। और जब फूल खिल जाता है तो फूल खिलने के बाद हम इस आज ये फूल खिला है तो इसके 4 दिन के अंदर मेरे को ये फूल को तोड़ना पड़ेगा वरना फूल मुरझाने लगे। बहुत कोमल और बहुत सेंसिटिव फूल है। हम लोग केसर का मिट्टी में लगाते हैं, मैम बहुत अच्छी है, इसके साथ काम करते हैं हम लोग भी, केसर का जितना ख्याल रखती है उतना हम लोग का भी ख्याल रखती है। केसर का काम करते हैं बहुत अच्छा से, 3 साल से करते हैं और माटी में देते हैं, फिर उसको बीज को डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे होता है। बहुत मुश्किल से इस चीज़ को हम लोग कर पाए हैं।
कश्मीर रे वर्षक थरे केसर चाष करा जाए किंतु घर भितरे कश्मीर भली वातावरण तयारी करा जाउथवारु दुई थरो केसर उत्पादन करिपारुछंती सुजाता आगामी वर्ष त वर्षक तीन थरो केसर चाष आरंभ करबाकु चिंता करिछंती सुजाता थरकरे 700 रु 750 ग्राम पर्यंत केसर उत्पादन होई पारुछि से हिसाब रे वर्षक 2 किलो केसर उत्पादनर लक्ष्य रखिछंती से 10x10 का रूम है और यहाँ पर मैं एक बार में 700 से 750 ग्राम करती हूँ, मतलब एक साल, मतलब जैसे अभी अक्टूबर में मैंने इतना केसर इसको निकालूंगी। फिर ऐसे तो कश्मीर में साल में एक ही बार केसर होता है, लेकिन मैं अभी साल में दो बार केसर कर रही हूँ। आप फेबररी या मार्च में आएंगे तो आपको दूसरी खेती दिखेगी। मैं लास्ट ईयर दो बार करी थी, लेकिन इस बार मैं तीसरी बार करने की कोशिश कर रही हूँ। केसर चाष खूब लाभजनक केवल केसर नुहे तार प्रति अंश ब्यूटी प्रोडक्ट बा आयुर्वेदिक औषध तैयारी रे लागे तनु लाभ अधिक मिले। जो केसर है उसके गुण तो आपको मालूम है, वो खाने के लिए यूज़ होता है, तिलक के लिए यूज़ होता है, दवाइयों के लिए यूज़ होता है। केसर पत्ती जो येलो वाला है वो भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और आयुर्वेदिक चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, और जो पेटल्स है वो टाई एंड डाई कंपनी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो यूज़ होता है। सपोज़ केसर का प्राइस हमारा 1,00,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया हम ये 30,000 रुपया हमारा केसर पत्ती है और 20,000 रुपया हमारा पेटल्स का रेट होता है। फूल को बाहर करागला परे सब अंश को अलग करा जाए एवं प्रोसेसिंग करा जाए। इंस्टाग्राम भली सामाजिक गणमाध्यम सुजातांकर मार्केटिंग चिंता को कमे देछि। लंडन दुबई भली सहरटु नै आम देशर विभिन्न सहररु तांक सहित जोगाजोग करी व्यवसायी माने निज आवश्यकता अनुसारे केसरर विभिन्न अंश नै जानते। ये जो 10x10 का कमरा है 5 से 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपके ये प्योर है, जब आप हमारे जब केसर हार्वेस्ट होता है तब हम OUT भेजते हैं, इसकी हम रिसर्च करवाते हैं, जो उसका क्राइटेरिया आता है उस हिसाब से हम उसका रेट रखते हैं। जैसे मैं अभी केसर बेच रही हूँ 10,00,000 रुपया किलो में मैं बेच रही हूँ। सुजाता ए व्यवसाय तो जमी गला कौन सरकारी साहय से नहीं नए कि एभली चाषपाई उद्यान विभाग तरफ अन्योग जगै दि जा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना गोटे योजना आप सरकार से आपसी योजना से स्कीम मध्यम आपपारे कौन पैसार असुविधा ना से आप मानते निजे खर्च करेंगे कि बैंक रू लोन नहीं करेंगे। सुजाता केवल केसर चाष करूना बर कश्मीर केवाटी एवं विभिन्न ब्यूटी प्रडक्ट निजे प्रस्तुत करुँच डिमांड खूब अधिक।